रात को मुस्लिम टाउन में अपनी बेटी कमल खोसट के दफ्तर आए। बड़े अच्छे वाले थे वो, ही हम सारे बहन भाइयों को हमारे अम्मी अब्बू ने कभी हाथ भी नहीं लगाया। वो हमें कोई कहता था ना हमारे अब्बा को शिकायत लगाएंगे, सो हम खुश हो जाते थे कि आज तो कुछ नहीं होगा। एक्टिंग के लिए जो शौक है ना, और शौक भी नहीं, मुझे तो जुनून की हद तक जो था ना एक जज्बा था उसके लिए, वो तो आई थिंक सरासर अब्बा की तरफ से मिला। पहले शुरू में नहीं मानते थे अब्बा कि मैं एक्टिंग करूं, अभी भी नहीं मानते। थोड़ा मैंने बहुत ज़िद की बहुत, सो वो जो है ना परसिवियरेंस नेचर में, वो भी आई थिंक मैंने अब्बा से ही ली है। सो मैं भी साबित कदम रही और मनवाया अब्बा को मैंने। सो उन्होंने कहा कि अच्छा एक्टिंग नहीं करो, कुछ और करो, जो भी करो कैमरे के पीछे। तो डायरेक्टिंग करनी स्टार्ट की थी फिर मैंने, और मेरी अम्मी बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी, मेरी अम्मी रेडियो प्रेजेंटर भी थी, खबरें भी पढ़ती थी, तो आई एम श्योर दोनों का मिला जुला है, बट एक्टिवली हमने हमेशा अब्बा को करते हुए देखा, तो आई वुड गिव मोस्ट क्रेडिट टू हिम, बट देन अम्मी इज़ ऑफ कोर्स इन्वॉल्व्ड। अपने करियर के शुरू में खासतौर पर मैंने अब्बा के साथ काफ़ी एक्टिंग की, बहुत ऑकवर्ड होता था। पहला ही प्लेबल के मुझे याद है, इसमें हम इकट्ठे काम कर रहे थे, उसमें अब्बा मेरे मामू बने हुए थे एंड अब्बा डिसलाइक्ड इट मच मोर देन यू नो आई डिड। लेकिन आई डोंट नो, आई थिंक आई एंजॉय मोर जब अब्बा और मैं एज डायरेक्टर एक्टर काम कर रहे होते हैं। तो वो जब काम कर रहे होते थे तो वो जो एक डायरेक्शन के अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आपको किसी एक्टर को कुछ कहने का या उनको कुछ बताने का, वो मुझे अब्बा ने बहुत ज़्यादा दिया। जहाँ तक बात है कंपैरिजन की, तो यकीनन जब एक घर में एक से ज़्यादा लोग एक घर के एक ही प्रोफेशन में होते हैं तो उनका कंपैरिजन लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है माँ बाप का और औलाद का वाहिद एक ऐसा रिश्ता है जिसमें जेलसी नहीं होती है, जिसमें कोई कॉम्पिटिशन उस तरह से नहीं होता। लोग मुझे शुरू में तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, दे वुड टेल मी कि मेरी आवाज़ ऐसी है और मेरा एक्टिंग के ऊपर मतलब बहुत बुरी करता हूँ मैं, और अब्बा बहुत अच्छे एक्टर हैं। आई एम श्योर वो अभी भी ऐसा समझते होंगे, और ऐसा हकीकत भी है क्योंकि बाप तो बाप होता है, और मैं उन जितना बड़ा इंसान और बड़ा एक्टर भी नहीं बन सकता, और इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा खुश भी होता हूँ और फ़ख्र भी करता हूँ that he is a legend and I will always be the smaller one and he will always be the bigger one.